So today I'm going to discuss very, very important question from the chapter Lines and Angle. The question is on your screen. In the given figure, EM is perpendicular to BC and AN is the bisector of angle A. Find the measure of angle MAN. So basically, हम सबसे पहले क्या करेंगे? Angle A का measurement निकालेंगे by using angle sum property. ABC will be equal to 180. तो angle A आ जाएगा. उसके बाद हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल पर देखेंगे. इस ट्रायंगल में हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे. ये 90 डिग्री हमें दे रखा है, तो हमारा ये एंगल आ जाएगा. यस, आफ्टर दिस हम क्या करेंगे, हमें जो ये पूरा एंगल मिला था, ये एक यू नो बाइसेक्टर जा रहा है. ए एन इज द बाइसेक्टर, तो दिस विल बी इक्वल टू दिस. भाई जब ये इसके इक्वल है तो ये पूरा आ जाएगा, इसका हाफ कर देंगे. And then we will be subtracting this angle. तो हम शुरू करते हैं अपना काम करना. Let's start solving. It is very very simple and interesting question. फटाफट से शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना. So by using angle sum property, basically angle A plus angle B plus of angle C will be equal to 180 degrees. So angle A plus angle B 65 degrees plus of angle C that is 30 degrees. 30 डिग्रीज ये हमें पता चल चुका है. इतनी चीज़ें, बस कुछ नहीं करना. 180 एंगल ए विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ऑफ 95 डिग्रीज. सो एंगल ए विल बी इक्वल टू 85 डिग्रीज. अब इतना काम हमने कर लिया है तो बाकी तो बच गया जो बहुत ही छोटा सा काम है, एंड इट इज़ गोना बी वेरी सिंपल नाउ. अब हमें क्या करना है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है इस ट्राइंगल में, ठीक है, ताकि हमें ये मेजरमेंट मिल जाए. तो एंगल बी ए एम प्लस एंगल ए एम बी प्लस एंगल ए बी एम इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो हमें पता ही है ऑलरेडी ये दोनों एंगल. तो एंगल बी ए एम प्लस ऑफ एंगल 90 डिग्री प्लस ऑफ दिस बी, आपको 65 दे ही रखा है, इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो एंगल बी ए एम विल बी इक्वल टू 180 माइनस ऑफ 155. सो एंगल बी ए एम इज इक्वल टू 25 डिग्रीज. इतना हमने ख़त्म कर लिया. अब हमें यार पता है कि ए एन इज़ द बाइसेक्टर, पता है ना, इतना तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि ए एन इज़ द बाइसेक्टर. अगर ए एन बाइसेक्टर है तो ये एंगल विल बी इक्वल टू ये एंगल, है कि नहीं. तो ये एंगल पूरा का पूरा एंगल ए जो है वो है 85 हमने निकाला, तो बाइसेक्टर है तो मतलब हाफ में डिवाइड हो जाएगा. दिस पार्ट दिस विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. सो 85 डिवाइडेड बाय 2, है कि नहीं. तो ये वाला एंगल हमारा 85 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा. तो बस हो गया सॉल्व, बस ये हो जाएगा हमारा 85 डिवाइडेड बाय 2. अब हम 85 डिवाइडेड बाय 2 में से अगर 25 माइनस कर दे तो हमारा ये बचा कुचा एंगल आ जाएगा, वही तो बताना है. सो एंगल एम ए एन इज इक्वल टू 85 डिवाइडेड बाय 2 माइनस ऑफ 25. सो एलसीएम ले लिया, 85 माइनस ऑफ 50 दैट विल बिकम 35 अपॉन 2. सो समवेयर अराउंड 17.5, दैट्स योर आंसर. है ना एकदम इजी पीजी लेमन स्क्वीजी. सो बस आज के लिए इतना ही. डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द लाइक बटन इफ यू अंडरस्टूड दिस.